सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एसी टेक को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र शेखावत एसी टेक के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पर मैं एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड प्रैक्टिकल एंड थियरी वीडियोस अपलोड करता हूं और वो भी हिंदी में। एक्चुअली फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले मेरे एक फॉलोअर ने मुझे एक इमेज सेंड की थी। वो एक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग रिलेटेड एक्सीडेंट की इमेज थी और उसने मुझे ये पूछा था कि इस इमेज जो एक्सीडेंट है, जो उस इमेज में एक्सीडेंट है, उसका रीज़न क्या है। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा ये रीजन्स आपके साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि ये जो हादसा है हमारे साथ, आपके साथ या किसी और के साथ भी हो सकता है जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में काम करता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो हादसा हुआ है, ये किस तरह से हुआ और किस तरह से इस हादसे से बचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये हादसा दोबारा किसी के साथ ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक प्रोवर्ब बताना चाहूंगा जो कि इंग्लिश में है और ये रिलेट करता है इस एक्सीडेंट से। वो प्रोवर्ब है, इफ यू डोंट नो आस्क, यू विल बी फूल फॉर दैट मोमेंट, बट यू विल बी अ वाइज मैन फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। इसका हिंदी में मैं आपको मतलब समझाऊं तो वो है, अगर आपको पता नहीं है तो आप पूछिए, आप उस क्षण के लिए मूर्ख कहलाएंगे, बट आपकी पूरी जिंदगी एक ज्ञानी कहलाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी नया काम करने से पहले आपको उसके बारे में मालूम नहीं है, तो आप किसी से पूछिए, आपकी सीनियर एडवाइस लीजिए या आपके जो सुपरवाइजर है उनसे आप एडवाइस लीजिए। ये बात मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे जो एक्सीडेंट है उनका मेजर रीज़न यही है। यह बात आपको इस वीडियो में आगे चल के पता चल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं जो एक्सीडेंट की इमेज है वो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस इमेज में आपको एक हार्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर दिख रहा है, उसके सक्शन लाइन में एक चार्जिंग लाइन कनेक्टेड है और उसके डिस्चार्ज लाइन में एक चार्जिंग लाइन कनेक्टेड है, और जो उसकी डिस्चार्ज साइड की चार्जिंग लाइन है वो कनेक्टेड है आपके सिलेंडर में, और आप देख सकते हो जो सिलेंडर है पूरी तरह से बर्स्ट हो चुका है। ये जो हादसा है, ये हमें पता चलता है कि जो सिलेंडर है वो बर्स्ट होने की वजह से हुआ है, बट सवाल ये है कि ये जो सिलेंडर है ये बर्स्ट क्यों हुआ, ये आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आपको ये पता नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, ताकि ये हादसा आपके या आपके किसी फ्रेंड के साथ ना हो। तो फ्रेंड्स, ये जो अरेंजमेंट्स है आप इमेज में देख सकते हैं, चार्जिंग लाइन, कंप्रेसर, सिलेंडर, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इससे हमें ये समझ में आता है जो मैकेनिक है जो यहाँ पे काम कर रहा था वो इवैक्यूएशन कर रहा था। अभी आपको ये समझना होगा कि इवैक्यूएशन मतलब क्या है। अगर आपने फ्रिज या एसी में काम किया होगा तो आपको मालूम होगा कि कंप्रेसर, कंडेंसर ये सब चेंज करते वक्त हम क्या करते हैं, जो रेफ्रिजरेंट होती है सिस्टम में वो हम हवा में छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक टर्न डेढ़ टर्न तक ठीक है, लेकिन अगर जो रेफ्रिजरेंट है, जो हमारा सिस्टम है, उसमें रेफ्रिजरेंट ज़्यादा होगा जब हमारा जो सिस्टम है वो बड़ा होगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं पैकेज एसी है, कोल्ड स्टोरेज है, डक्टेबल यूनिट्स है, इनमें क्या है जो रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है। तो अगर हमें कोई पार्ट चेंज करना है तो हमें ये पता होता है कि रेफ्रिजरेंट है वो ओके है, रेफ्रिजरेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो हम रेफ्रिजरेंट जो है वो हवा में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर हमें वो पार्ट चेंज करना है तो वो पार्ट चेंज करने के बाद वापस हमें वो रेफ्रिजरेंट लगने वाली है। तो फ्रेंड्स, रिकवरी सिस्टम में हम यही करते हैं, जो सिस्टम है हमें मालूम है जो रेफ्रिजरेंट है उसके अंदर वो अच्छी है, तो हम वो रेफ्रिजरेंट रिकवरी यूनिट की मदद से एक सिलेंडर में ले लेते हैं, और जो हमारा सिस्टम है उसमें हम जो भी हमें काम करना है, कंप्रेसर चेंज करना है, कंडेंसर चेंज करना है, वो करने के बाद उसको वैक्यूमिंग करके हम वही जो रेफ्रिजरेंट हमने उससे निकाली थी वापस उसके अंदर चार्ज कर देते हैं। बट इसके लिए दोस्तों, आपको जो रिकवरी की प्रॉपर प्रोसीजर है वो मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है ये गलत प्रोसीजर फॉलो करने के वजह से हुआ है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि रिकवरी की करेक्ट प्रोसीजर क्या है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो आप राइट साइड में डायग्राम देख रहे हैं, ये है वेपर कॉम्प्रेशन साइकिल। ये जो साइकिल है हमारे एसी में, फ्रिज में, पैकेज एसी में, चिलर में, हर एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम या एयर कंडीशनिंग सिस्टम में होती है। ये साइकिल में आप देख सकते हैं, एक कंप्रेसर है, कंडेंसर है, कैपिलरी, कैपिलरी की जगह आप एक्सपांशन वॉल होता है बड़े यूनिट्स में, और यहाँ पर एक इवोपरेटर। ये फिर फोर मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। आपने सब ये देखा ही होगा कि हर एक एसी या फ्रिज में ये सब मेन कंपोनेंट्स होते ही हैं। ओके,
तो इसकी जो साइकिल है इस तरह से होती है, जो रेफ्रिजरेंट है डिस्चार्ज लाइन से जाता है, कंडेंसर में कंडेंसर से जाता है, एक्सपांशन वॉल्व में एक्सपांशन से इवोपरेटर में, और इवोपरेटर से फिर सक्शन लाइन के थ्रू कंप्रेसर में, और एक कंप्रेसर में एक और लाइन दी होती है चार्जिंग लाइन। इसके बाद हम देखेंगे रिकवरी यूनिट। ये आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये एक रिकवरी यूनिट है। तो रिकवरी यूनिट इतना ही सिस्टम है, देखिए ये जो यूनिट आप देख रहे हैं ये रिकवरी यूनिट है। ओके, तो रिकवरी यूनिट में एक है कंप्रेसर, जैसे कि हमारे वेपर कंप्रेशन साइकिल में होता है। उसके बाद में एक डिस्चार्ज लाइन के थ्रू, जो डिस्चार्ज है इस कंप्रेसर का डिस्चार्ज है, उससे आगे जाता है कंडेंसर में, कंडेंसर में एक फैन लगा होता है, और ये है कंडेंसर से फिर आउटलेट, और आउटलेट में एक गेज लगा होता है। तो ये जो हमारा सिस्टम है इसको हम बोलते हैं रिकवरी यूनिट। तो आप देख सकते हैं ये जो यूनिट है हमारे जो आउटडोर यूनिट है उसकी तरह सेम है। आउटडोर यूनिट में भी कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, और एक फैन होता है। बट इसमें एक चीज अलग है कि इसके अंदर हम एक्सपांशन वॉल्व, जैसे कि हम आउटडोर यूनिट में देखते हैं कैपिलरी होती है, वो इसमें नहीं है। तो फ्रेंड्स आप जैसे ये देख सकते हैं कि इधर एक एम्प्टी सिलेंडर रखा हुआ है, जो है चिल्ड वाटर के कंटेनर में हमने रखा हुआ है, ताकि ये जो सिलेंडर है ये ठंडा रहे। ओके, अभी हमें करना क्या है, जो हमारा वेपर कॉम्प्रेशन साइकिल है, ये वेपर कॉम्प्रेशन साइकिल आपके पैकेज एसी, कोल्ड स्टोरेज, कहीं पर भी हो सकती है। इस यूनिट में आपको काम करने के लिए जो इसकी रेफ्रिजरेंट है आपको इस सिलेंडर में फिल करनी है, ताकि आप ये जो सिलेंडर है काम होने के बाद फिर से इस सिस्टम में ले सके। ओके, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ हम करेंगे रिकवरी यूनिट की मदद से। ओके, तो हम सबसे पहले रिकवरी करने से पहले आप एक बात ध्यान रखिए, जो वेपर कॉम्प्रेशन साइकिल है, जैसे कि आपका कोई भी यूनिट है, तो उसे आप स्विच ऑफ कर दीजिए। ओके, ताकि ये जो साइकिल है ये स्टॉप हो जाए इसकी, और जो रेफ्रिजरेंट है कॉन्स्टेंट हो जाए, स्टैंडिंग प्रेशर आ जाए उसमें। उसके बाद ये जो कॉम्प्रेसर है हमारा रिकवरी यूनिट का, इसकी जो सक्शन लाइन आप देख रहे हैं, ये हम यहाँ पे लेके जाके चार्जिंग लाइन में इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो होगा क्या, और दूसरी जो इसकी लाइन है रिकवरी यूनिट की, जो आउटलेट है ये देख रहे हैं आप, ये आउटलेट मैंने आपको बताया था रिकवरी यूनिट का, ये हम लेके जाके कनेक्ट कर देंगे सिलेंडर के ऊपर। ओके, अब होगा क्या, अगर आपका ये जो सिस्टम है ये बंद है और हम ये कॉम्प्रेसर स्टार्ट कर देते हैं, तो ये जो कंप्रेसर है सक्शन लाइन से सक करेगा रेफ्रिजरेंट। ओके, सक्शन लाइन से सक करेगा, और वो रेफ्रिजरेंट आएगी यहाँ से, ये सिस्टम से, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये बंद है अभी, तो ये कंप्रेसर चल रहा है इसीलिए यहाँ से सक्शन होगा, और जो रेफ्रिजरेंट है इस तरह से कंप्रेसर में आएगी, कंप्रेसर इसे डिस्चार्ज करेगा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में वेपर रेफ्रिजरेंट को, और यहाँ पे कंडेंसर में जो वेपर रेफ्रिजरेंट है इस फैन की वजह से ठंडी होने के कारण वो लिक्विड में फॉर्म हो जाएगी, और वही लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारा जो है आगे चलते हुए सिलेंडर में चला जाएगा। यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पे लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ जाएगा, और ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट को लिक्विड बनाए रखने के लिए, ताकि हम इसे जल्दी कर सके, आप इसके अंदर कंटेनर में हमने चिल्ड वाटर भरा है, तो इससे होगा क्या, जो वेपर है वेपर यहाँ पर कम होगी और लिक्विड जो है वो ज्यादा होगा, इससे हमारा जो सिस्टम है जल्दी रिकवर हो जाता है। ओके, ये सिस्टम है रिकवरी यूनिट, और इस तरह से हम लोग जो वेपर कॉम्प्रेशन साइकिल है उसमें से रिकवरी करते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे हम जो वो एक्सीडेंट की इमेज देखेंगे, और उसमें और हमारे रिकवरी यूनिट में उस यूनिट के तरीके में और इस तरीके में क्या फर्क था, ताकि हमें पता चल सके कि गलती कहाँ हुई है और किस तरह से हम उसे सुधार सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वो रिकवरी यूनिट है जो मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया है, और उसके बाद में जो हमें एक्सीडेंट इमेज में मालूम पड़ता है, ये देखिए एक वहां पे कंप्रेसर था और जो सिलेंडर था जो ब्लास्ट हो चुका था। ओके, तो कंप्रेसर के सक्शन लाइन में एक लाइन कनेक्टेड है, ये लाइन आ रही होगी हमारे जो भी सिस्टम है, जहां से हमें गैस सक करना था वहां से आ रही होगी, तो ये कनेक्टेड थी यहाँ पर। और जो डिस्चार्ज लाइन है कंप्रेसर की, जो डिस्चार्ज लाइन है वो आपने देखा होगा शायद, डायरेक्ट जो है ये जो डिस्चार्ज लाइन है ये डायरेक्ट कनेक्टेड थी सिलेंडर को। इससे हुआ क्या, जब रेफ्रिजरेंट सक की गई दूसरे यूनिट से, जो भी यूनिट था जिससे हमें गैस लेनी थी इस सिलेंडर में, उससे जब कंप्रेसर ये स्टार्ट हुआ, तो ये जो रेफ्रिजरेंट यहाँ पे आई, यहाँ से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की जो रेफ्रिजरेंट है वो डायरेक्ट चली गई सिलेंडर में, जहाँ की होना चाहिए था, ये जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की रेफ्रिजरेंट है जानी चाहिए थी कंडेंसर में, यहाँ पे उसका कंडेंसेशन होने के बाद लिक्विड फॉर्म में जो है रेफ्रिजरेंट ठंडी होने के बाद यहाँ पर जानी चाहिए थी। लेकिन इस केस में हुआ क्या, जो कंप्रेसर है उसकी डिस्चार्ज लाइन से डायरेक्ट लाइन कनेक्ट कर दी गई सिलेंडर के। तो फ्रेंड्स ये एक मेन रीजन है इस एक्सीडेंट का, इसी वजह से जो एक्सीडेंट है ये हुआ है। और इसमें एक और रीजन है फ्रेंड्स, जिससे
ये एक्सीडेंट हो सकता था ये सिस्टम यूज करने के बावजूद भी। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा जो सिलेंडर है आप इमेज में देख सकते हैं, एक्सीडेंट की इमेज में देख सकते हैं, जो सिलेंडर है वो नॉन रिफिलेबल सिलेंडर है। वो टाइप के जो सिलेंडर आते हैं वो नॉन रिफिलेबल टाइप आते हैं सिलेंडर, उनमें हम रेफ्रिजरेंट फिर से भर नहीं सकते। जो रेफ्रिजरेंट उसमें है वो यूज कर लो और वो यूज एंड थ्रो टाइप रेफ्रिजरेंट है। और इस समय में क्या हो गया कि जो रेफ्रिजरेंट की प्रेशर थी वो कई ज्यादा थी, और आप वो उसका जो गेज देख सकते हैं, जो सिलेंडर है उसका गेज देख सकते हैं, एकदम वो पतला, जो उसमें सीट यूज की गई है वो एकदम पतली है। इसी वजह से हुआ क्या, जो रेफ्रिजरेंट आई यहाँ से और वहां पे वो सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। तो फ्रेंड्स इस रिकवरी यूनिट के लिए मैं आपको एक सिलेंडर के लिए एक टिप देना चाहूंगा कि आप जब भी आपको रिकवरी करनी है तो आपको मालूम है कि जो आपका सिस्टम है जहां से आपको गैस लेना है उसमें 10 किलो रेफ्रिजरेंट है, तो आप कम से कम 12 से 14 किलो तक का रेफ्रिजरेंट का जो सिलेंडर है वो यूज कीजिए, एम्प्टी सिलेंडर यूज कीजिए, ताकि जो रेफ्रिजरेंट है इजीली सिलेंडर में आ जाए। क्योंकि जब हम रेफ्रिजरेंट इस सिलेंडर में लेते हैं तो लिक्विड फॉर्म होता है और बाद में उसका रेफ्रिजरेंट का वो गैसेस में चेंज होता है, जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा जो गैसेस ज्यादा होता जाएगा और लिक्विड कम होता जाएगा। तो फ्रेंड्स आप बड़ा रेफ्रिजरेंट का जो सिलेंडर है वो यूज कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं आशा रखता हूँ कि आपको जो रिकवरी है इससे जुड़ी सारी बातें समझ में आ गई होगी, ताकि आपके साथ फ्यूचर में या आपके किसी दोस्त के साथ फ्यूचर में इस तरह का जो एक्सीडेंट हुआ है वो दोबारा ना हो। तो फ्रेंड्स आप सब पूरी ही सावधानी के साथ काम कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी इस लाइन में काम करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे जो कमेंट बॉक्स है इसमें आपके कमेंट दीजिए, ताकि मुझे ये पता चल सके कि ये जो वीडियो है ये आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स वक्त आ गया है आप सबसे अलविदा लेने का, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।